एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है और लगाया था जो हिमालय का हमने जो मंगवाया था वो हमने लगाया है, हिमालय का प्रोटीन केयर जो है। सो अभी तक बालों में कोम भी नहीं किया है। तो छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए, देखा छत थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं, और प्लांट्स ने सारे में पानी भी डालना है। और आई तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लेते खुले माहौल में, खुली हवा में। तो बस आप लोगों के साथ इंट्रो शेयर कर रही हूँ, और इंट्रो करने के बाद में थोड़े बहुत काम भी आपको दिखा दूँगी छत पे। सो बेसिकली मैं ज़्यादा छत पे आती ही नहीं हूँ, बहुत ही कम आती हूँ, सिर्फ कपड़े डालना, कपड़े उठाना, बस यही काम के लिए आते। सो यहाँ रहा हमारा कपड़ा, बगल के छत पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और बगल में तो सब लोग बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखो, ये जो सामने आपको पानी दिख रहा है इसमें ना मच्छी हो भी रखी है, पहले तो ये पूरा भरा पड़ा था लेकिन अब इसमें मच्छी हो गई है और अच्छी खासी बड़ी बड़ी मच्छी हो गई है। तो चलिए अब काम कर लेते हैं। सीधे सनराइज जो है वो कैमरे पे आ रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो गई है, लेकिन शाम नहीं हुई है। अभी टाइम हो रहा था, लगभग 3 बजे थे जब मैं छत पे कपड़े डालने गई थी तब, और मैंने देखा नहीं कि कैमरे का एंगल कैसा है और मैंने बस कैमरा ऑन कर दिया क्योंकि मैं छत पे ट्राईपॉड लेकर नहीं गई थी।
आज मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी भी शेयर करूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और जिससे कि आपको कितनी भी कॉफ हो ये बहुत ही जल्दी कॉफ को निकालता है। तो इसमें हमने जो कलछी है वो गर्म कर लिया, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, कोई बड़ी सी कटोरी भी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी और छुहारा जो है हमारा उसको हम पहले से ही तोड़ लेंगे। तो इसमें घी डालेंगे और कलछी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि मैंने बहुत पहले कर दिया था। उसके बाद इस तरीके से छुहारा इसमें तोड़ कर डाल देंगे और कलछी हमारा गर्म हो गया जिसके कारण इसमें फायर निकल गई थी और एक हाथ में मेरा कैमरा था इसके वजह से जो है मुझे चलाने में नहीं बना था। फिर मैं कैमरा रख के ऑफ कैमरा इसको अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका लूँगी और पकने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा आगे। तो पकने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगता है और ये आपको कुछ जला जला हुआ सा दिख रहा होगा तो वो पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा इसको जला ही लेती हूँ। और इसको गर्म गर्म ही खाइएगा, नहीं तो बाद में ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो इसको गर्म गर्म ही घी के साथ खाना और इसको आप बड़े बुजुर्ग प्रेग्नेंट लेडी हो किसी को भी दे सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।